देश के सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल माने जाने वाले दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे पर ब्लेड से हमला किया कैदियों ने। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 11 कैदी हैं, घायल हुए हैं। ये घटना कल रात 1 बजे की बताई जा रही है। जो घायल कैदी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी नीरज गौर दे रहे हैं। नीरज, और क्या जानकारी, कैसे हुआ ये सब हमला और ब्लेड वो भी जेल के अंदर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 1 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि 11 कैदी हैं जो कि घायल हैं, जिनके बीच में जो कि ब्लेडबाजी हुई है। उसके बाद में इन्हें आनंद फानंद में जो कि पास का अस्पताल है DDU, वहां पर इनको भर्ती करवाया गया, जहां पर इनका इलाज किया गया, लेकिन मामूली रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इनको जिस वार्ड में रखा गया था वहां से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहां से निकलने के लिए बोल रहे थे। जब इनको निकाला नहीं गया तो उसके बाद में इन्होंने अपने आप पर ही खुद से हमला कर लिया। इस तरीके की बातें जो पुलिस ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं, और उसके बाद में पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन नीरज, आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है रात 1 बजे एक दूसरे पर या खुद पर? जी पूर्णिमा, मैं आपको बताऊं कि इनको जेल नंबर 3 में रखा गया था और वहां पर एक कसूरी वार्ड है, और वहां से निकलने के लिए बोल रहे थे। जब इनको निकाला नहीं गया तो उसके बाद में इन्होंने अपने आप भी खुद पर हमला किया। इस तरीके की जो बातें हैं वो पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। और मैं आपको बताऊं जो कि ये कसूरी वार्ड है वहां पर बिल्कुल जो कि सिक्योरिटी है वो टाइट रहती है, और वहां पर जो कि वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद में इन्होंने अपने आप पर खुद पर हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, पूरी जानकारी देने के लिए।